श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद तीसरा अध्याय ग्यारवा मन्वंतर आदि काल विभाग का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयव की प्रतीति होती है। यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता का नाम परम महान है। इस समय उसमें ना तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, ना नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है और ना घट पतादि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे तीन त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है, उसे टी कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और तीन वेद का एक लव होता है। तीन लव को एक निमेश और तीन निमेश को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका कही जाती है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िका का एक पहर होता है। यह याम कहलाता है, जो मनुष्यों के दिन या रात का 4th भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके और 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को 1 नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर 1 मास होता है, जो पितरों का 1 दिन रात है। 2 मास का 1 ऋतु और 6 मास का 1 अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवनेश कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीने के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पित करके पूजा करो। ये सूर्य देव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपनी काल शक्ति से बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रयास से कार्योन्मुख करते हैं। ये पुरुषों की
मोहनिर्वृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर आपने देवता पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया, अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी सतयुग त्रेता द्वापर और कली ये चार युग अपनी संध्या और संध्याशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं ऐसा बतलाया गया है। इन सत्यादि चारों युग में क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष होते हैं और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दोगुने 100 वर्ष और उनकी संध्या और संध्याशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्याश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने चारों चरणों से रहता है, फिर अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण क्षीण होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1,000 चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। उस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग सप्तऋषि देवगण इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्वगण का आश्रय लें, अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। काल क्रम से जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना रूप पौरुष को स्थगित करके निश्वेश भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है तब वे भू भुवः स्वः तीनों लोक उसी ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगते हैं। इसीलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भग आदि मुनीश्वर गण महलोक से जनलोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देते हैं। तब उस जल के भीतर भगवान शेषशायी योग निद्रा से नेत्र मूंदकर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मणिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को प्रार्ध कहते हैं। अब तक पहला प्रार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व प्रार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ था, उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इसे शब्द ब्रह्मा कहते हैं। उसी प्रार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी,
इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभ तक बतलाया जाता है। यह वराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह दो परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेश माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति महतत्व अहंकार और पंचतंत्र मात्र इन आठ प्रकृतियों के सहित दस इंद्रियां, मन और पंचभूत इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्मा कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 11 समाप्त।